नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे चीज की, एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो एक समय में दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज अनिल धीरूभाई अम्बानी की। धीरूभाई अम्बानी के छोटे बेटे अनिल अम्बानी की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जीवन में बहुत ऊँचाइयाँ देखी, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा नीचे उनको जाना पड़ा अपने जीवन में, और फिर बाउंस बैक किया और आज फिर से वो एक ऊँचाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, तो इस उतार और चढ़ाव वाले जीवन को समझते हैं कि अनिल अम्बानी की शुरुआत कैसे हुई और ये अपने जीवन में कैसे ये सफल हुए और इनको अपने जीवन में क्या नुकसान हुआ और फिर ये वापस से कैसे इन्होंने बाउंस बैक किया। ये हम लोगों के लिए भी प्रेरणादायक चीज़ें हो सकती हैं, इसको दोस्तों हमें देखना चाहिए और सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं अनिल धीरूभाई अम्बानी की। तो दोस्तों, अनिल धीरूभाई अम्बानी का जन्म 4 जून 1959 को हुआ था और ये दुनिया के छठे सबसे रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे। और ये बात करें इनकी नेटवर्थ की, तो किसी समय इनके जो कंपनियों की टोटल वैल्यूएशन हुआ करती थी वो 4 लाख करोड़ की हुआ करती थी, उससे भी ज़्यादा के ये मालिक थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इनकी कंपनियां बैंकरप्ट हो गईं, नुकसान में चली गईं, पूरी तरह से परेशान हो गए। दोस्तों, बात ये शुरू होती है सन 2002 की, जब इनके पिताजी धीरूभाई अम्बानी जी का स्वर्गवास हो जाता है। उस वक्त ये समझ लीजिए कि एक पहाड़ सा टूट जाता है दोनों भाइयों के ऊपर, और फिर ये दोनों भाई बिज़नेस को शुरू करते हैं। और बिज़नेस में शुरू करने के बाद दोनों भाइयों में ज़्यादा अच्छे से बनी नहीं, तो दोनों ने अपने बिज़नेस अलग करने की सोची। तो माँ कोकिला बेन ने दोनों बेटों के बीच में बिज़नेस का बंटवारा कर दिया, और ये बंटवारा कुछ इस तरह से किया कि कुछ कंपनियां अनिल को दे दी और कुछ मुकेश जी को दे दी, और ये भी एक एग्रीमेंट करवा दिया कि दोनों एक दूसरे की कंपनियों में बिज़नेस में एंट्री नहीं लेंगे अगले करीब 5 सालों तक। 5 सालों तक जो बिज़नेस मुकेश अम्बानी कर रहे हैं वो अनिल अम्बानी वो बिज़नेस नहीं करेंगे, और जो अनिल अम्बानी बिज़नेस कर रहे हैं वो मुकेश अम्बानी वो बिज़नेस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अनिल अम्बानी के जो पास आया बिज़नेस वो आया टेलीकॉम, पावर जनरेशन, फाइनेंशियल सर्विस। वहीं मुकेश अम्बानी की बात करें तो इनके पास रिफाइनिंग का बिज़नेस आया और पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस आया, और दोनों लोग अपने बिज़नेस को करना शुरू कर दिया। उसमें अनिल अम्बानी जी को बहुत सफलता मिली। ये मान लीजिए कि इन्होंने जब 2002 में स्टार्ट किया था अपने बिज़नेस को, तब उस वक्त कंपनी की जो वैल्यूएशन हुआ करती थी वो 27,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, और अगर हम आज की बात करें तो अकेले मुकेश अम्बानी जी के अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वो 20 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। सोचिए, 27,000 करोड़ से शुरू हुआ चीज़, और आज सिर्फ हम मुकेश अम्बानी जी की बात करें तो वो 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। तो दोस्तों, मुकेश अम्बानी जी अपने बिज़नेस में लगे रहे और अनिल अम्बानी जी अपने बिज़नेस में, और अनिल अम्बानी जी ने अपना एक ग्रुप बनाया उन कंपनियों का जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन थी, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस नेवल, रिलायंस होम फाइनेंस, और इस ग्रुप का नाम दिया गया अनिल धीरूभाई अम्बानी ग्रुप। इन्होंने इसको बिज़नेस को अच्छे से चलाया, और उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन ने इनको ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट कमा कर दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। ये समझ लीजिए कि रिलायंस एक बहुत ही जायंट कंपनी हुआ करती थी, रिलायंस कम्युनिकेशन। लेकिन ये एक ऐसा समय आया कि इनको बहुत ही तकलीफ भी देने लगा। 2007 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2007 में इनकी जो वैल्यूएशन हुआ करती थी वो 4 लाख करोड़ की थी। फिर ये समझ लीजिए कि अचानक से 2008 में क्राइसिस आ जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, बस वहाँ से सारी चीज़ें बदलने लगती हैं और ये समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते। ये दो चीज़ें इनको नुकसान करती हैं। ये रिलायंस कम्युनिकेशन जिस वक्त बिज़नेस कर रहा था उस वक्त 2G टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, लेकिन अचानक से 2000
7-8 के बाद से बात स्टार्ट हो गई कि अब हम 4G की तरफ जाएंगे और कंपनियां अपनी 4G की तरफ आगे सोचने लगीं और काम करने लगीं। लेकिन ये जो अनिल जी की कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के बारे में फोकस ही नहीं कर पाए, ये आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो ये समझ लीजिए कि एक समय ऐसा आ गया 2017 तक कि ये कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ये समझ लीजिए कि ख़त्म सी हो गई, इसका इतना प्रॉफिट कम हो चुका था। और उस वक्त रिलायंस का जो एग्रीमेंट था दोनों भाइयों के बीच में कि एक दूसरे के बीच में एंटर नहीं करेंगे कोई बिजनेस, वो भी ख़त्म हो गया। और उस वक्त एंट्री ली मार्केट में जियो ने अपनी 4G सर्विसेज दी और ज़बरदस्त तरीके से मार्केट शेयर कैप्चर किया। तो उससे न सिर्फ अनिल अंबानी जी की कंपनी को नुकसान हुआ, रिलायंस कम्युनिकेशन को, बल्कि मार्केट में जो दूसरी कंपनियां थीं, चाहे वोडाफोन हो या आइडिया हो या और कंपनी, इनको भी ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ और ये भी परेशान हो गए और ये एक जाइंट बनकर उभर आया जियो। इसके साथ ही अब इनको 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस वक्त अनिल अंबानी अपना एक IPO लेकर आए थे रिलायंस पावर का, जो बहुत ही सक्सेसफुल IPO था। लेकिन इनको फिर नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती थी और नेचुरल गैस की जो प्राइस थे 2008 में इतने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गए कि उसमें भी इनको तकलीफ़ आनी स्टार्ट हो गई। तो वहाँ से परेशानी आनी शुरू हो गई रिलायंस पावर में भी। और फिर अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब वो एग्रीमेंट दोनों भाइयों के बीच में ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद से ये अपग्रेडेशन हो नहीं पाई और उस वक्त रिलायंस में अनिल जी के ऊपर जो डेट था, जो कर्जा था, ये करीब 7000 करोड़ का था, 7000 करोड़ के आसपास का कर्जा। और इनकी जो कंपनियाँ थीं वो कुछ अच्छा कर नहीं पा रही थी, चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो, रिलायंस कैपिटल हो, रिलायंस फाइनेंस हो, रिलायंस पावर, ये सब लॉस में चल रही थी। ये समझ लीजिए कि रिलायंस इंफ्रा इनकी वो कंपनी है जो मुंबई का मेट्रो जो बना है, वो मेट्रो का प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास था और बहुत अच्छा चल रहा था बिज़नेस। लेकिन जब समय बुरा होता है तो आपको डिसीजन भी लेते हैं तो वो आपके उल्टे होने शुरू हो जाते हैं डिसीजन, वही होना शुरू हो गया था। और कर्जा ज़बरदस्त हो चुका था, अब कर्जा पूरा करने का कोई तरीका इनको दिख नहीं रहा था। तो फाइनली 2019 आते आते इनकी जो रिलायंस कम्युनिकेशन जो कंपनी थी वो भी बैंकक्रप्ट हो गई और ख़त्म हो गई। फिर इन्होंने बाउंस बैक के बारे में सोचा, बाउंस बैक यहीं से इनका स्टार्ट होता है। ये समझ लीजिए कि बिजनेस मैन जो होता है उसके खून में होता है बिजनेस। ये पूरी तरह से सोचे बर्बाद होने के बाद इन्होंने अपनी कंपनियों को रीस्ट्रक्चर करना शुरू किया और कुछ कंपनियों को इन्होंने बेच दिया और उससे मिलने के बाद जो पैसा जो मिला उसके बाद इन्होंने बैंकों को लोन को वापस किया, डेट फ्री की तरफ बढ़े आगे। और इसमें जो बैंक थी IDBI, ICICI, एक्सिस बैंक, DBS, इसका फिर इन्होंने 100% कर्जे को उतार दिया। लोन पूरा चुकता करने के बाद ये जब डेट फ्री बने, फिर इन्होंने कई अरेंजमेंट्स किए। और 2024 आते आते आज की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे जो सबसे अच्छा सेक्टर है, सबसे क्रीमी सेक्टर है, सबसे पॉपुलर सेक्टर है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में अनिल अंबानी जी ने एंट्री ली और उस पर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। आज के समय अनिल अंबानी जी की जो नेटवर्थ है वो 8300 करोड़ के आसपास है। सोचिए दोस्तों, ये वो नेटवर्थ है जो किसी समय 4 लाख करोड़ की हुआ करती थी। लेकिन वो भी समय अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा बाउंस बैक करने के लिए जाने जाते हैं और अनिल अंबानी जी उनमें से एक हैं, ऐसा दिख रहा है। अगले कुछ सालों में हमें वो देखने को मिलेगा कि जब इनकी जो नेटवर्थ है 2 लाख 4 लाख 5 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा की हो जाएगी, क्योंकि इनका बिजनेस अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है और इन्होंने एक अपग्रेडेड, एक बहुत ही अच्छे सेक्टर में एंट्री ले ली है। ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ इंडिया का ही नहीं अच्छा सेक्टर है इस वक्त, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा सेक्टर है इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो दोस्तों, ये मैं केस स्टडी आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।